असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर में वेलकम कहती हूँ आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है एस्केलेस की ऑस्ट्रिया ट्रायलॉजी में से एगम एम्डन एगम एमडन जो है ये ऑस्ट्रिया ट्रायलो ट्रायलॉजी में से एक प्ले है और इसके अंदर हम लोगों ने उस प्ले के एम को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने क्विज को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है जिसमें पूछा गया है इन वट ईयर वॉज एस्किलस बोर्न तो अब आपको पता तो होंगे रूल्स क्या होते हैं हमारे हमारे रूल्स ये हैं कि आपने वीडियो को पोस्ट करना है देन आपने अपना आंसर पेज के ऊपर लिखना है और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके अपना आंसर मैच करना है तो वीडियो को पोस्ट करें और देखें आपका आंसर एकूरेट है कि नहीं है तो इसका आंसर है बी फाइव ट्वेंटी फाइव बी सी क्या आपने यही आंसर लगाया था देन कॉन्ग्रेट्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है विच इज़ हाउ मैनी ऑफ द मोर देन नाइन्टी प्लेज रिटन बाय एस हैव सर्वाइव टू द मॉडर्न एरा कितने प्ले जो है मॉडर्न एरा में सर्वाइव कर रहे हैं तो इसका आंसर है सी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट प्ले इमिजिएटली फॉलोज एग मेमन इन दस्ट्रिया ट्रायोलॉजी कौन सा प्ले आता है तो इसका आंसर है सी लाइबेशियन बेरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन

क्रिएटिंग अ न्यू रेंज ऑफ ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज तो कौन सा एलिमेंट इसने ऐड किया था इसका आंसर है अ सेकेंड एक्टर ठीक है इसका आंसर ए है नेक्स्ट क्वेश्चन एट द स्टार्ट ऑफ एगामन अ वॉचमैन इज अवेटिंग अ सिग्नल अनाउंसिंग द फॉल ऑफ विच सिटी किस सिटी के वो फॉल का अनाउंसमेंट कर रहा था तो इसका आंसर है सी ट्रोए का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया जा रहा है वेयर इज एग सेट तो इसका आंसर है ए द पैलेस एट अर्गोस नेक्स्ट क्वेश्चन हु किल्स किसेंड्रा किसेंड्रा को किसने मारा था तो किसेंड्रा को मारा था क्लेमेस्ट्रा ने इसका आंसर एक्यूरेट है बी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जो शो किया गया है उसमें पूछा गया है हुज रिटर्न इज प्रोफे बाय द कोरस इन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द प्ले तो इसका आंसर है ओरिस्ट्रस ठीक है ए आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेड इनमें से किसकी डेथ नहीं हुई थी एंड द राइट आंसर इज क्लेमेस्ट्रा बी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज टू हैव नेव हिज डॉटर टू ऑप्टेन अ फेवरेबल फॉर हिज फ्लीट और इसका राइट आंसर है एगामैमन एगा मैमन ने ही अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करना था नेक्स्ट क्वेश्चन द कोर्स इज मेड अप ऑफ इल्डर सिटीजन्स फ्रोम तो इसका आंसर है आर्गोस बी नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर हर कैप्चर किसेंड्रा वॉज द लवर ऑफ विच ग्रीक गोट तो इसका आंसर है बी अपोलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच करेक्टर प्रोवाइड्स विविथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर अगेंस्ट ट्रॉए तो कौन सा करैक्टर है इसका तो इसका आंसर है द हेर्ड ए नेक्स्ट क्वेश्चन हु एडवाइज क्लेमिस्ट्रा इन एगामेम्स एबसेंस तो इसका एक्ूरेट आंसर है द कॉरस उन्होंने एडवाइज किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इन वट एंशियंट सिटी इज द प्लेस सेट तो इसका आंसर है ए आर्गोस नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज एगामेन बीन एट द वॉर इन ट्रॉय तो कितने ईयर्स थे तो इसका एक्ूरेट आंसर है टेन ईयर ये जो ट्रोजन वॉर थी ये ट्रॉय की वॉर इसको वॉर ऑफ ट्रॉय कहते हैं इसको ट्रोजन वॉर भी कहा जाता है ये टेन ईयर्स हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन ऑफ लेमिस्ट्रा एंड एगेमन इज़ नेम्ड तो इनके बेटे का नाम था और ठीक है तो इसका आंसर एक्यूरेट है ए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट काइंड ऑफ सिग्नल डज द वॉचमैन सी इन द फर्स्ट सीन तो वो कैसे के सिग्नल्स थे तो इसका राइट right आंसर है ए द ब्लेजिंग फायर नेक्स्ट क्वेश्चन वट बीस्ट सिम्बोलाइजेज बोथ एगामन एंड हीज ब्रदर मेनोलियस तो इसका एक्ूरेट आंसर है द इगल ठीक है ए वट बीस्ट सिम्बोलाइजेज इफिग्निया तो इसका राइट आंसर है द हेयर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज सेक्रीफाइज फॉर फेयर विन्स टू सेल फॉर ट्रॉए तो किस को सेक्रीफाइस किया गया था तो इसका आंसर अगेन इफिनिया सी नेक्स्ट क्वेश्चन डैश प्रोसक्यूटी इज द ओस्टेंसिबल कॉज ऑफ द ट्रोजन वॉर तो एकट आंसर है इसका किसकी वजह से हुई थी ट्रोजन वॉर हैलन की वजह से सी नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिन रूलिंग एरगोस इन एगामस तो किसने रूलिंग किया था एरेगोस के ऊपर तो ये थी क्लेमेस्ट्रा सी नेक्स्ट है डैश इज किंग ऑफ ट्रोए वैन इट फॉल्स तो कौन था प्राइम ठीक है फोर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश एट फर्स्ट डाउट क्लेमेस्ट्रा रिपोर्ट दैट द वॉर इज ओवर तो इसका आंसर है दरस सी नेक्स्ट है डैश गिव्स अ लेंथी अकाउंट ऑफ द फायर सिग्नल्स रिलाय फ्रॉम ट्रॉय टू आर्गोस तो इसका एक्यूरेट आंसर है ए क्लेमेस्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच गॉड डज द कोरस अपील मोर देन एनी अदर तो इसका एक्यूरेट आंसर है जीएस ए नेक्स्ट है डैश अबडिक्टेड हैलन तो इसका एक्यूरेट आंसर है बी पेरिस नेक्स्ट इलियम इज एन अदर नेम फॉर तो ये एन अदर नेम फॉर तो इसका एक्यूरेट आंसर है ट्रोए तो यहां पे हमारे ओवरऑल थर्टी एम सी क्यूज हमने कर लिए डिस्कस अब मुझे आपने बताना है कमेंट्स में कि आपने थर्टी में से कितने मार्क्स गेन किए आई होप यू डिड वेल और इनशाला त यू विल गोन अ रॉक इन योर स्टडीज बेस्ट ऑफ लक दुआ में खास याद रखना डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब या चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स क्योंकि नॉलेज इज़ पावर्ड हम नॉलेज को जितना शेयर करें उतना ही बेहतर है एंड इसके अलावा आपका एक सिंगल शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है अल्लाह हाफिज़